तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रश्नावली 11.1 का, क्लास 9वीं का, एनसीईआरटी। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले तो क्या बोला था कि पहले इसने बोला कि पहले की एक किरण कीजिए और उसके प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे खींच लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो पेंसिल से ही सब बनाना चाहिए, लेकिन ये वीडियो है इसलिए हम पेन से बना रहे हैं, तो कभी रंग यूज करेंगे कभी पेंसिल। ठीक है, तो हमने ये मतलब ये किरण खींच लिया, इसका प्रारंभिक बिंदु हमने ले लिया, मान लो ये हमारा बिंदु बी है। ठीक है, और ये मान लेते हैं सी है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और इसकी पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं पुष्टि भी करूंगा, पहले बना लेते हैं। पहले बी को केंद्र मान लेंगे, रचना के पद भी लिखेंगे, बी को केंद्र मान लेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम पहले बी को केंद्र मानकर एक ऐसे चाप खींच लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर जो बिंदु होगा, ठीक है, इस बिंदु का कुछ भी नाम दे देंगे, मान लेते हैं इसका नाम मैंने डी दे दिया। ठीक है, अब डी को केंद्र मान लेंगे। ठीक है, अब डी को केंद्र मानकर फिर हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ई आ गया है। ठीक है, और हम साइज नहीं बदलेंगे चाप का। ठीक है, वही साइज लेकर अब ई को केंद्र मानकर अब यहाँ पर फिर एक चाप लगाएंगे एफ, फिर एक चाप ऊपर लगाएंगे, फिर यहाँ एफ बिंदु पर रखकर फिर एक चाप ऐसे ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बिंदु मान लेते हैं एफ है और ये बिंदु मान लेते हैं जी है। ठीक है, अब हम इस बिंदु को, अब हम जी को बी से मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको मान लेंगे ए है, तो ये ए बी सी यानी ये आपका 90 डिग्री लगभग बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो ये बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब बोला था कि 90 डिग्री रचना कीजिए, 90 डिग्री बन गया है, अब हमें इसकी पुष्टि करनी है। तो पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुष्टि करने के लिए हम डॉट डॉट करके इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो हम पहले अब हम पुष्टि करने जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे डॉट 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 डॉट, ई को एफ से मिलाएंगे, बी को भी एफ से मिलाएंगे, फिर हम इसको भी ऐसे ही मिलाएंगे, फिर हम ई को एफ से मिलाएंगे, सब डॉट डॉट मिलाना है, फिर एफ को जी से मिलाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ही इसको भी मिला देंगे। अब आप देख सकते हो कि जो ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी डी ई बन रहा है, बी डी ई, इसके अंदर तीनों चाप बराबर है, बी डी बराबर, डी ई बराबर बी, क्योंकि एक ही चाप का साइज लेकर हमने सारा बनाया था, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गया। तो यानी एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है सभी कोण 60 के होते हैं तो मैं मान लूंगा ये कोण 60 है, तो कोण ई बी डी 60 डिग्री का है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो यही चाप लेके हमने इसको बनाया था, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ये जो बन रहा है एफ बी ई, एफ बी ई ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये भी समबाहु त्रिभुज है तो इसमें भी सभी चाप बराबर हैं, तो यानी बी एफ वाली भुजा बराबर है बी के और बराबर है एफ ई के, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, तो कोण ये वाला मान लेंगे 60 डिग्री का है, एफ ई बी, एफ ई बी बराबर में 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री का हुआ तो ये इक्वेशन दो मान लेंगे। अब ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60, ये भी 60, और ये देखो ऐसे जेड बना रहे हैं, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अंतः का अंतर कोण बना रहे हैं। तो लिख देंगे कि समीकरण एक व दो से ये दोनों बराबर हैं, यानी ये वाला ई बी डी, तो ई बी डी बराबर है एफ बी ई के या एफ ई बी के, ये दोनों बराबर हैं 60 डिग्री के। लिख देंगे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंतः का अंतर कोण बनाते हैं, अब क्योंकि ये अंतः का अंतर कोण बनाते हैं तो कोण, तो
ये दोनों जो कोण है अंत एकांतर कोण बनाते हैं, तो ये वाली भुजा इसके समांतर जाएगा क्योंकि ये जेड बना रहे हैं। तो एफ ई और बी डी कह देंगे एफ ई समांतर जाएगा बी डी के, ठीक है। तो एफ ई समांतर हो जाएगा मतलब बी डी के, यानी ये दोनों समांतर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज ले लेंगे जी एफ ई में, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ त्रिभुज, यहाँ पे ये दो त्रिभुज मान लो ये बिंदु M है, ठीक है। तो एक इसमें इसमें एक आधा त्रिभुज दिख रहा है, तो आधा आधा ले लेंगे जी एफ एम और दूसरे का नाम ले लेंगे जी ई एम ई, ठीक है। पहला तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि हमने जो चाप यहाँ से लिया था वही चाप यहाँ से लिया था, तो इसीलिए जी एफ बराबर हो जाएगा जी ई के। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा कि ये उभयनिष्ठ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये उभयनिष्ठ हो जाएगा जी एम जी एम, इससे पहले आपको ये त्रिभुज लेना चाहिए था जी ई, मतलब त्रिभुज लेना चाहिए था जी एफ बी और त्रिभुज लेना चाहिए था जी ई बी। इसमें ये वाला भुजा इसके बराबर जाता, तो यहाँ पे ले देते एफ जी बराबर में जी ई, दूसरा वाला एफ बी बराबर ये हो जाता एफ बी बराबर ई बी, और ये उभयनिष्ठ हो जाता आपका जी बी बराबर जी बी। तो ये दोनों त्रिभुज आपके मतलब जी एफ बी सर्वाक्षम हो जाते, और सर्वाक्षम हो जाते तो ये वाला एंगल मान लो एक ये एंगल दो बराबर हो जाता, एंगल एक बराबर एंगल दो वो बाय सी पी सी टी से हो जाता। और यहाँ पर वो एंगल एक बराबर एंगल दो यूज करना था, फिर उसके बाद ये त्रिभुज भी सर्वाक्षम हो जाएगा, ठीक है। नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब ये दोनों भी बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये इस पर सी पी सी टी से ये इसको बराबर भाग में बांटेगा, लंबी होगा तो मान लेते हैं लंब होगा। तो कोण ये दोनों कोण पहले बराबर ले लेते हैं आप, तो कोण जी एम एफ, तो जी एम एफ बराबर हो जाता जी एम ई, परंतु ये तो सीधी रेखा है तो इसीलिए दोनों का जोड़ क्या हो जाता 180, और दोनों का जोड़ 180 हो जाता, ठीक है। तो वो तब होता जब ये दोनों 90 होता, तो यानी ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, दोनों 90 हो जाता। तो क्योंकि क्योंकि ए बी क्योंकि ए एम इसके ऊपर लंब है, तो ए एम इसके ऊपर भी लंब होगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा अतः कोण ए बी सी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भुजा इसके पैरेलल है और इसके ऊपर ये लंब है, तो ये इसके ऊपर भी लंब होगा, तो इसीलिए ये इस प्रकार से पुष्टि हो जाएगा, ठीक है। तो पुष्टि जो है वो एग्ज़ाम में लगभग नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही पूछी जाती है, और कंस्ट्रक्शन के स्टेप यानी रचना के पद भी लिखना होता है। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो दोबारा सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार 45 डिग्री का कोण बना के कारण की पुष्टि करनी है। तो इसके लिए हम पहले बना लेते हैं एक 45 डिग्री का कोण, वो कैसे बनाएंगे। तो पहले एक मान लेता हूँ किरण ले लेंगे, ठीक है, बीसी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने पेंसिल की नोक रखकर 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि 90 का हाफ होता है 45, तो 90 अभी आपने बनाना सीख गए थे। तो यहाँ पर जो हमने त्रिज्या लेके चाप लेंगे, फिर एक यहाँ पे चाप लेंगे, फिर एक यहाँ पे लेंगे, फिर एक चाप सेम चाप का ऊपर और फिर ये ऊपर, और इनके नाम रख देंगे, ठीक है। इसका नाम रख देंगे मान लो डी, इसका नाम रख दिया डी ई एफ, ठीक है। अब इनको मिला देंगे यूँ, इसको डॉट डॉट मिलाना था, ठीक है, इसको डॉट डॉट लेना है, ध्यान रहे। अब क्या करेंगे, अब हम अपने प्रकार की नोक थोड़ा बढ़ा लेंगे, बढ़ाकर एक बार यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान हट गया, यहाँ पर आपको इसको डी लेना था, इसको ई लेना था, इसको एफ लेना है, इसको जी लेना है, ठीक है। फिर आप डी पे डी को केंद्र मानकर और ये बिंदु मान लो एम कटा है, एम को केंद्र मानकर एक चाप लोगे दोनों इस तरफ दाईं ओर, तो यहाँ पर हमने एक चाप ले लिया ऐसे, और फिर एम पे रखकर हमने एक चाप
यहाँ ले लिया जो इसको काट रहा है। मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे को बिंदु एन पर काट रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे तो ये 45 डिग्री का कोण आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री का बन गया है। अब लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी है तो कि ये 45 डिग्री का है, ये पूरा हो गया है वैसे, ठीक है। तो 45 डिग्री की पुष्टि करने के लिए हम पहले रचना से इसको मिलाएंगे, डॉट 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 ऐसे, फिर हम एम को भी एन से मिलाएंगे, डॉट 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 डॉट। मिलाने के बाद आप दो त्रिभुज ले लोगे, एक त्रिभुज ले लोगे ये वाला एम बी एन, और दूसरा ले लोगे आप डी बी एन। पहला बी एम बराबर बी डी, दूसरा एम एन बराबर बी एम एन बराबर डी एन, क्योंकि एक ही चाप द्वारा लगाए गए त्रिज्याएं बराबर होती हैं। उसके बाद ये बी एन कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो बस दोनों त्रिभुज आपका सर्वाक्षम हो जाएगा साइड 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 से, ठीक है। फिर सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण एक बराबर कोण दो, यानी इसको एक मान लेंगे, इसको दो, और ये तो पूरा 90 था, तो यानी इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 दोनों तो बराबर भी हैं, तो इसको एक्स एक्स मान लो, एक्स एक्स दो एक्स हो जाएगा बराबर 90, दो से कट जाएगा एक्स यानी 45, तो एंगल एक भी 45, एंगल दो भी 45, यानी एंगल इसका नाम ए मान लो, तो ए बी सी, तो ए बी सी आपका 45, तो आपका 45 प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री कैसे बनाना है, तो देखो 30 डिग्री बनाते ऐसे हैं कि पहले हम 60 डिग्री बनाएंगे और उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो एक किरण ले लिया, नाम भी रखते चलेंगे बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले एक 60 डिग्री कोण बनाएंगे और उसका लंब समद्विभाजक कर देंगे, ठीक है। तो पहले 60 डिग्री और फिर उसका लंब समद्विभाजक, तो यहाँ पे रख कर ऐसे हम फिर यहाँ पर रख देंगे, तो ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से लंब समद्विभाजक कर देंगे इसका, मतलब समद्विभाजक कर देंगे बस, लंब नहीं, तो ये आपका इसको मिला दोगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रकार से पहले इस 60 वाले को मिला सकते हो, नहीं तो छोड़ दो उसको, ये सीधा 30 चाहिए था आपको, तो आप 30 वाले को मिला दो, तो ये आपका बन गया ए बी सी 30 डिग्री, ठीक है। अब मान लो इसी में 15 डिग्री भी पूछ रहा था तीसरा वाला, तो तीसरा वाला भी इसी में हो जाएगा। पहले हम 30 बनाए हैं तो 30 का भी हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर रख के फिर हम प्रकार को छोटा कर लें, बड़ा कर लें, फिर एक चाप, फिर यहाँ पर रख कर 30 वाले लाइन पर रख कर एक चाप, तो ये जहाँ कट गया है इसको मिला देंगे, तो ये आपका बन, मान लो ये वाला अगर बन जाता तो ए डैश बी सी आपका 15 डिग्री बन जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। मान लो 22.5 बनाना है तो आप पहले 90 बनाओ, ठीक है, फिर 90 का आधा 45 बनाओ, और फिर 45 का आधा 22.5 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने बनाया था मेरे साथ, देखो ये हमने अभी 90 बनाया था, फिर हमने यहाँ पे 45 बनाना है, तो यहाँ पे रख देंगे एक चाप लगाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर हम ए वाले पे रख देंगे, ठीक है, ए वाली लाइन पे रख देंगे, और फिर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ये 45 हो जाएगा। फिर हम 45 वाले को मिला लेंगे डॉट डॉट करके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डी वाले पे रखकर एक चाप लगाएंगे, और 45 वाली जो रेखा जा रही है, ठीक है, वो इस चाप को जहाँ काट रही होगी उस बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे, और फिर हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारा 22.5 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, जो कि 45 का हाफ है, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है कि 75 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। तो 75 डिग्री का कोण देखेंगे कैसे बनाना है, तो फिर 105 भी है और फिर 135 भी है, ठीक है। तो पहले हम 75 का बात करते हैं। 75 का बनाने के लिए पहले कोई एक रेखा खींचो, ठीक है। 75 60 और 90 के बीच होता होगा, तो इसीलिए 60 और 90 के बीच में समद्विभाजक कर दोगे
तो आपका 75 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। यहाँ से हम पहला चाप लेंगे, ये 60, और यहाँ से हम दूसरा लेंगे, ये 120 होता है। फिर हम इसको ऊपर की तरफ दोनों चाप से काटेंगे तो ये 90 होता है। ठीक है, तो अब 90 वाली लाइन को डॉट डॉट मिलाएंगे, फिर हम इसको भी मिलाएंगे डॉट डॉट, अब हम इनको यानी इस 60 वाले बिंदु पे रखकर एक बड़ा त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे, फिर हम 90 पे लेकर चाप काटेंगे। तो ये बीचों बीच एक बिंदु पे कटेंगे, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम इससे मिला देंगे प्रारंभिक बिंदु से, तो ये आपका 75 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको इसमें बोला था कि 105 बनाना है, तो ये आपका 120 था। ठीक है, इसी मैं बता देता हूँ, यह आपका 120 था, तो 120 और 90 के बीच में होता है 105, तो 120 वाले पे डॉट डॉट बनाना था। फिर हमें 100 मतलब 90 वाले पे रखकर एक चाप काटना था, फिर हमें 120 वाले पे रखकर चाप काटते, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उसको हम प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे, तो किरण खींच देंगे, तो ये आपका जो है ना ये 105 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो 135 बोला है, तो 135 के लिए आपको दोबारा क्या करना होगा कि पहले आपको 150 और 120 के बीच में बनाना होगा। तो यहाँ से आपने 60 लिया था, फिर आपने यहाँ से 120 लिया था, अब यहाँ से आप 180 ले लेंगे। ठीक है, तो 180 का ले लेंगे, फिर 180 पे रखकर और 120 पे रखकर कट मारेंगे, तो ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 150 वाले एंगल को डॉट डॉट मिलाएंगे, तो ये यहाँ काट रहा है, तो इस 150 वाले पे रखकर एक चाप यहाँ, फिर 120 वाले पे रखकर एक चाप यहाँ, ये जहाँ कटेंगे ये मिला देंगे, ये 135 डिग्री आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 135 डिग्री बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 75 बनाना है तो वो 90 और 60 के बीच बनेगा, 105 बनाना है तो 90 और 120 के बीच बनेगा, और अगर 135 बनाना है तो 120 और 150 डिग्री के बीच बनेगा। और 150 कैसे बनेगा, 120 और 180 के बीच में समद्विभाजक करके बनेगा। ठीक है, तो अब पांचवा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी गई हो, भुजा दी हो और कारण सहित रचना कीजिए। ठीक है, तो बस आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है कोई भी भुजा लेकर, तो मैं मान लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, नहीं तो साइज की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हमने भुजा ले ली BC, अब क्या करना है, अपने प्रकार का इस्तेमाल करना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेनी है, और एक चाप यहाँ ऊपर और फिर यहाँ रखकर एक चाप यहाँ ऊपर, ये जहाँ कटेगा इसको अपने प्रकार से मिला देना है, इसके मतलब रूलर से इसको ऐसे मिला देना है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब आपको इसकी पुष्टि करना है, तो पुष्टि यही है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसीलिए सभी कोण 60 होंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।